चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल की नमाजियों की तादाद के हवाले से हुकूमती इकदामात की तायद, समाजी फासलों के लिए लोगों को घरों में रहने की तलकीन की। किबला अयास का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर हुकूमती कार्रवाई शरण जायज होगी। फैसला यही हुआ कि हुकूमती इकदाम की तायद की जाए और लोगों से ये कहा जाए कि वो नमाजें घरों पे पढ़ें, घरों को एक किस्म की नमाजगाह में तब्दील कर दें और फासले जो है बरकरार रखें मेल जोल में, क्योंकि मेल जोल के अंदर फासले ना रखना ये कोरोना वबा के फैलाने का सबसे बड़ा सबब। इंसानी तदाबीर पर अमल करना और तदाबीर को इख्तियार करना ये भी वक्त की जरूरत है। ये लोग जो एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो ये पूरी इंसानियत को, अपने इलाके के लोगों को, अपने देहात और मोहल्ले के लोगों को एक मुसीबत में मुब्तला करने का बायस बन रहे हैं और कानूनी तौर पे अगर हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन ले तो वो शर्म जाएगी।